चावला स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी के बारे में। क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गया, टेंटन, अब आपको क्या करना है, बाय सेल या होल्ड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी का एक भी यूनिट है, क्वार्टर वन का रिजल्ट देखना जरूरी है। डायरेक्ट रिजल्ट पर चलेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, ये है इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी, है 5 अगस्त 2022 टेंटन। बस अभी 10 सेकंड हुई है रिजल्ट आते ही। भैया मैं इंतजार में बैठा था कब रिजल्ट आए और कब सबसे पहले वीडियो बनाई। देखो ये अपन को नहीं देखना है, स्टैंड अलोन रिजल्ट है, और ये अपन को नहीं देखना है, अपन को देखना है दूसरा रिजल्ट, वो हम चलेंगे इस पर। देखो दोस्तों, ये रिजल्ट अपन को देखना है, तो मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में जाए। देखो ये इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर है, आंकड़े है जो लाख्स में, ध्यान रखना। अब हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। पहले तो ये कॉलम देखेंगे टोटल इनकम का। देखो पिछले ईयर में 1370 लाख की टोटल इनकम थी, पिछले क्वार्टर में 1232 लाख की टोटल इनकम थी, लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर में 934 लाख की टोटल इनकम है। ये हमने देख लिया। अब टोटल एक्सपेंसिव की बात कर लेते हैं कि आखिरकार टोटल एक्सपेंसिव खर्चा है कितना हुआ है कंपनी को, वो देख लेते हैं। देखो पिछले ईयर में 823 लाख का था, पिछले क्वार्टर में 950 लाख का था, इस क्वार्टर में 618 लाख का था, यानी खर्चे हैं कंपनी ने कम किए। अब टोटल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, टैक्स वगैरह सब कुछ देख के शुद्ध कंपनी को कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये अपन को देखना है, ये कॉलम अपन को देखना है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल से बता, देखो आफ्टर टैक्स वगैरह सब कुछ देखे, यहाँ पर ये पिछले ईयर में 402 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, पिछले क्वार्टर में कंपनी को 209 लाख का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी को 223 लाख का। माय गॉड, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है, ईयर ऑन ईयर थोड़ी डाउन है। फिर से समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, ये अपन को देखना है। पिछले ईयर में कंपनी को 402 लाख का प्रॉफिट हुआ था, पिछले क्वार्टर में कंपनी को 209 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और इस क्वार्टर में कंपनी को 223 लाख का प्रॉफिट हुआ है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी है, ईयर ऑन ईयर थोड़ी डाउन है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा धमाका बम विस्फोट है 223 लाख का कंपनी को प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट में तबाही मची हुई है क्वार्टर थ्री के बाद में, क्वार्टर फोर के बाद में, क्योंकि वार शुरू हुई, बड़ी बड़ी कंपनियों का रिजल्ट लॉस में आ रहा है भैया। तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज्यादा प्रॉफिट होना अपने आप में बहुत बड़ा धमाका है। कहां 209 लाख का प्रॉफिट और कहां 223 लाख का कंपनी को प्रॉफिट। तो भैया जिनके पास में है लूट लग गई है शेयर की। और यहां पे देखो पिछले क्वार्टर में तो इसका अर्निंग पर शेयर 2 पैसा था, इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है 3 पैसा हो गया, और यहां पर बस, और पिछले ईयर में अर्निंग पर शेयर 5 पैसा था। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर धमाका बहुत बड़ा है। अब देखो मार्केट इसको किस वे में ले रहे, मार्केट अच्छा ही लेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो भैया 209 लाख का ही प्रॉफिट हुआ था, इस क्वार्टर में 223 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो भैया धमाका है। और ये कंपनी ऑलरेडी बहुत गिर गई है, 99% क्रेश हो गई है। तो भैया मंडे से सपाट अपर सर्किट कुछ हो जाओ इस बात पर, वीडियो को लाइक ठोक देना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर देना है जिसे 1 लाख की फैमिली हो जाए। सभी दोस्तों को भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि आप हो तो आपसे ही तो हम है ना, आप ही तो सब्सक्राइब कराओगे। और शेयर अब पूरा गिर गया है, प्लस अपने मल्टीपल सपोर्ट के साथ में है। तो भैया मंडे से सपाट अपर सर्किट, पहला टारगेट 6 रुपए को पार करके भैया 52वीं खाई को पार करेगा, 6 रुपए 75 पैसे को पार कर देगा, अब नहीं रुकेगा, क्योंकि कंपनी को भैया 223 लाख का प्रॉफिट होगा। माय गॉड, सब कुछ फाड़ दिया रे, थैंक यू।